बा, अब तो खुद एक माँ है। चिराग की ये हालत देखकर विद्या के दिल पर क्या बीत रही होगी, जरा ये तो सोचिए बा। समझ सकती हूँ मैं, मगर विद्या को अपना दिल मजबूत करना होगा। चिराग के जिंदगी के साथ मैं कोई खिलवाड़ नहीं होने दूंगी, नहीं झुकूंगी मैं दाई माँ के सामने। दाई माँ की शैतानी शक्ति और मेरे विश्वास के बीच की लड़ाई है ये, और इस लड़ाई में माँ मेरे साथ है। इसका बदन भट्टे की तरह तपता जा रहा है। भाई भी असर नहीं कर रही है, ऊपर से बाबी जिद पर अड़ी हुई है। अब तक तो चिराग की तबीयत हद से ज्यादा बिगड़ गई होगी, फिर भी फोन क्यों नहीं आया उन लोगों का? क्या अपने बच्चे से प्यार नहीं है इन्हें? विद्या, कम हो रहा है बुखार? हेमा, आपने मेरी सुन ली? नहीं, 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 नहीं। मम्मी, चिराग, पागल हो गए ये लोग, बच्चे की हालत देखकर भी मुझे फोन नहीं कर रहे। अपने घर के चिराग को खुद ही बुझाना चाहते हैं ये लोग। हे, हैप्पी बर्थडे चैम। हैप्पी बर्थडे बेटा, माता रानी तुम्हें हमेशा खुश रखे, हमेशा तुम्हारी रक्षा करे। हार नहीं मानूंगी मैं, नहीं मानूंगी मैं हार। वचन दिया है पूरा करूंगी मैं। नहीं, मैं वापस आई। ये क्लाउन किसने बुलाया? किसी ने बुलाया नहीं मुझे, वो केक वाले के शॉप पे पता चला था कि यहाँ बर्थडे पार्टी होने वाली है, इसलिए काम की तलाश में आ गया। सॉरी भाई, हमें आपकी जरूरत नहीं है, आप प्लीज जाइए। सर, मैं पढ़ा लिखा हूँ, बहुत टाइम से कुछ काम नहीं मिला। सर, यही रोजी रोटी है मेरी। वाओ, फुटबॉल! आ तो एक और फुटबॉल। देवांग, रहने दीजिए ना इन्हें, पार्टी में सबका मन लगा रहेगा। हाँ पापा। अच्छा ठीक। थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू लिटिल मास्टर। चिराग, अंदर चलो, तुम्हारे लिए और भी बड़ा सरप्राइज है। एक और बड़ा सरप्राइज? चलो चलो चलो। इतना सॉलिड काम हो ना क्या? किधर गए सब आदमी लोग? क्या तुम लोग यार जल्दी काम करो ना, इधर यार सब काम मेरा सर पे सब पड़ा है। हाँ, मैं इनके घर पहुँच गया, पार्टी में रुकने की इजाजत नहीं मिलती। पार्टी में चिराग मेरे करीब होगा। ये कपड़े ही मेरा हथियार है। आज मुझे चिराग को आधी रात से पहले उसी जगह ले जाना होगा, जंगल में जहां उसका जन्म हुआ था। अगर मैं चिराग को नहीं ले जा पाई तो अपना मकसद पूरा नहीं कर पाऊंगी। नहीं, आज मुझे कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। चिराग दाई माँ के आते ही ठीक हो गया, ये सब आपको अजीब नहीं लगता? मंजुला, मुश्किल से इस घर के हालात सुधरे हैं, अब दोबारा कोई प्रॉब्लम खड़ी मत करो। बा!
बहुत ही अच्छी है। अब तबीयत ठीक है बेटा? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन मैं जिसके पास भी जाता हूँ वहाँ वो सब रोने ही लगते हैं। इधर आओ। बेटा, वो इसलिए कि हम सब तुझसे बहुत प्यार करते हैं। हम सबको तेरी चिंता है ना, इसलिए। अब प्लीज आप दोनों मत रोइए। जाओ बेटा, अपनी मम्मी के पास जाओ, संभल के। हाँ यशोदन जी, किस लिए फोन किया? मैंने आपको आगाह करने के लिए फोन किया है। दाई आज एक बहुत बड़ा अनिष्ट करने जा रही है। वो अपनी जिंदगी का मकसद पूरा करने जा रही है। लेकिन घर में सब कुछ ठीक है। आप समझ नहीं रहे हैं, आज ग्रहों का योग बिल्कुल वैसा ही है जैसा 5 साल पहले चिराग के पैदा होने के वक्त था। आज राक्षस की अमावस्या है। यशोधन जी प्लीज, मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूँ। चिराग को अपनी आंखों से ओझल मत होने देना, उसे दूर मत होने देना। ईश्वर आपकी रक्षा करे। सुनिए, मैं जरा चिराग को देख कर आती हूँ। तुम फिक्र मत करो, मैं देखता हूँ। सांभरो सांभरो सांभरो, ताईवान नेहरवान कदरदान, दिल थाम के बैठिए। आज की महफिल के हीरो, इस घर के चिराग, इनका नाम भी है चिराग। पधार रहे हैं। मुझे चिराग जैसा दिखने वाला बच्चा नजर नहीं आ रहा है। कोई मिल जाए तो मेरा काम आसान हो जाएगा। दूंगी ना, लेकिन अभी नहीं, सबसे आखिर में दूंगी, क्योंकि वो सबसे खास है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। दाइमा, लेकिन मुझे तब तक नींद आ गई और मैं सो गया तो मैं तुम्हें जगा दूंगी। उसके बाद तुम असली दुनिया देखोगे। अब मैं जो कह रही हूँ वो ध्यान से सुनो। अरे भाई, चिराग का जन्म कहाँ हुआ था? राठौर साहब, आपको न्यूज तो मिली गई होगी। मैंने अपनी तरफ से कह दिया है कि हर पुलिस स्टेशन में अलर्ट भेजा जाए, शहर के हर आने वाले और जाने वाले रास्ते पर नाकाबंदी की जाए।